तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे सेकंड पॉडकास्ट में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आपके ब्रांड के बारे में, विजन के बारे में। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और अपने ब्रांड के बारे में बताइए कि वो किस तरह से काम करता है। सबसे पहले तो थैंक यू दामू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। माय नेम इज सौरभ सिंह, आई एम द फाउंडर ऑफ रेंट टू बाय। रेंट टू बाय एक हाइपर लोकल एग्रीगेटर, जिसमें हम हल्द्वानी और कुमाऊं रीजन की जितनी प्रॉपर्टीज है इनको एग्रीगेट करते हैं। तो जनरली अगर मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं, तो जैसे आपका 99 एकर्स है, मैजिक ब्रिक्स है, ये सारी वेबसाइट्स आपके नेशनल लेवल पे चल रही है या मेजर सिटीज में चल रही है, वैसे ही हल्द्वानी के लिए एक लोकल एग्रीगेटर है जिसका नाम है rent2buy.in। ओके, मतलब सर ये अपने उत्तराखंड का ही स्टार्टअप है जो कि मेनली अपने उत्तराखंड को ही टारगेट कर रहा है, अभी फिलहाल जो है वो हल्द्वानी में काम कर रहा है। एग्जैक्टली, हम लोग हल्द्वानी रीजन की प्रॉपर्टीज को एग्रीगेट करते हैं, मतलब हम सब रेजिडेंशियल कमर्शियल इन दोनों तरह के वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं, जिसमें हम रेंटल और बाय सेल दोनों में काम करते हैं। ओके, तो जैसे अगर आपको प्लॉट खरीदना है, डुप्लेक्स खरीदना है, अपना घर बेचना है या कोई प्रॉपर्टी लेनी है या प्लॉट्स लेने हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर उसको लिस्ट करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके सर, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है? कोई चार्ज नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग काम करते हैं डील जेन मॉडल पे। ओके, तो डील जेन मॉडल क्या होता है, जैसे कि अगर सपोज आपने एक प्लॉट हमारे पास लेकर आया, हमारे पास लिस्टिंग होगी उसकी, तो हम क्या करेंगे, आपके लिए बायर्स ढूंढना शुरू करेंगे। अब बायर्स हम कैसे ढूंढते हैं, जैसे कि आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे एड्स चलने शुरू होंगे। देखो, सबसे पहले तो कोई भी प्रॉपर्टी हमारे पास, जैसे किसी ने फोन करा कि आप मेरी प्रॉपर्टी लिस्ट कर लीजिए, तो जो फर्स्ट चीज हम करते हैं, हम साइट विजिट करते हैं प्रॉपर्टी की, हम खुद जाते हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन करने के लिए। जो ओनर होता है प्रॉपर्टी का, उसको भी हम लोग प्रॉपर्टी पे बुलाते हैं, ताकि वो हमें एक्सप्लेन कर सके कि प्रॉपर्टी की क्या साइज़ है, क्या डिमेंशन है, लीगैलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ओनरशिप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको भी हम लोग वेरीफाई करते हैं, कि फर्स्ट चेक जो होता है प्रॉपर्टी लिस्ट करने से पहले वही होता है। ओके, मतलब कि जैसे कि आपने पहले वेरिफिकेशन का बोला, मतलब कि जैसे कि कोई भी अगर आपकी वेबसाइट में लिस्ट करना चाहता है, खुद से भी करना चाहता है, तो आप पहले रिव्यू करते हैं, मतलब कि आपकी टीम रिव्यू करती है उसको। जैसे सबसे पहले तो उसके फोटोज और ये सब, जब हम साइट विजिट करते हैं तो वहाँ जाके फोटोज ले लेंगे, बड़ी प्रॉपर्टी होगी तो उसका ड्रोन शूट कर लेंगे, जैसे 1 CR से ऊपर की प्रॉपर्टी है तो उसका एक ड्रोन शूट भी कर लिया, और फोटोग्राफी कर ली, वीडियोग्राफी कर ली, ओनर से मिल भी लिए, थोड़ा बहुत उसकी लीगैलिटी चेक भी कर ली, जो इनिशियल डॉक्यूमेंट होता है जैसे उनके रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स किसके नाम पे है, कौन है, ताकि जब हम फर्दर कोई कस्टमर हमारे पास आता है सिमिलर प्रॉपर्टी के लिए, तो हम उसको पूरी जानकारी शुरू में ही दे सके और उसको एक सही प्रॉपर्टी हैंडओवर कर सके। इसके अलावा जैसे रेंटल का होता है, जैसे ये तो बाय एंड सेल का है, रेंटल में क्या होता है, हम सीधा सारे फोटोग्राफ्स पहले मंगा लेते हैं कस्टमर से। मैं पर्सनली तो नहीं जाता हूँ रेंटल के लिए, बट हमारी टीम में से एक बंदा जाता है वहाँ पे और उनको पूरे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सप्लेन करता है, इधर पर्सनली जाके या फिर हमारे फोन के थ्रू, हमारी टीम टेलीकॉलिंग के थ्रू उनको बताती है कि रेंटल के लिए आपके ये टर्म्स एंड, मतलब कि बहुत सारे तरीके हैं वेरिफिकेशन के आपका। वेरिफिकेशन के जनरली फर्स्ट वेरिफिकेशन हम अपने एंड से करते ही हैं, उसके बाद जब डील होनी शुरू होती है, जितने लोग प्रॉपर्टी का, जिन्होंने बाय एंड सेल करा होगा, उन्हें पता ही है कि मोस्टली 90% लोग लोन लेते हैं। ओके ओके सर, जैसे कि मतलब कि आपकी जो मेनली आपका जो स्टार्टअप है उसमें बाय एंड सेल, साथ में आपका रेंट भी है, तो सर ये दोनों चीजें हैं, जैसे कि बाय एंड सेल, तो ये किस तरह से डिफरेंट है, मतलब कि जैसे कि बाय एंड सेल के चैलेंजेस बताइए और थोड़ा सा रेंट वाला किस तरह से काम करता है उसके बारे में बताइए कुछ। देखो, चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं, देर आर ऑपरेशनल चैलेंजेस, देर आर मार्केटिंग चैलेंजेस, लेकिन मैं सिंपल लेमेंस लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन करूँ तो हल्द्वानी का अगर आप पूरा रियल एस्टेट सेक्टर देखोगे, सो हाउ वी आर पोजिशनिंग अवर सेल्स, कि हम एग्रीगेटर है, एक एग्रीगेटर के अंदर आपके दो तरह के रजिस्टर होते हैं, एक होता है प्रॉपर्टी रजिस्टर, एक होता है कस्टमर रजिस्टर, राइट। तो एक तरफ तो हम प्रॉपर्टी लिस्ट करते जा रहे हैं, ठीक है सर, कि अच्छा मेरे पास 2 BHK भी है, 3 BHK भी है, डुप्लेक्स भी है, प्लॉट भी है, और आपके हाई राइज भी है, लो राइज भी है, कुछ ऐसे मकान है जिसमें लिफ्ट लगी है, कोई मॉडर्न है, फिर कोटा बाग में फार्म हाउसेस चल रहे हैं, हिल्स में कॉटेजेस चल रही हैं, सब कुछ लिस्टिंग आ रही है।
एक तरफ से कस्टमर फ्लो कर रहा है। अब जो बड़े एग्रीगेटर्स होते हैं जैसे आपके 99 ब्रिक्स है, जैसे मैजिक ब्रिक्स है, उनका क्या है, 99 एकर्स मैजिक ब्रिक्स क्या करती हैं, वो अपने आप को प्रमोट करती हैं, राइट, तो वो पुल मार्केटिंग करती हैं, तो 99 एकर्स सुन के कस्टमर आता है, फिर वो प्रॉपर्टी खोजता है, फिर उसको प्रॉपर्टी दिखती है। अब सिंस वी आर हल्द्वानी का स्टार्टअप, जैसे मैं बोलता हूँ हम हल्द्वानी का स्टार्टअप है, हम अभी स्केल और वॉल्यूम में उतने बड़े नहीं, ठीक है, हमारा जो मेन फोकस है टेक्निकल टर्म्स में टीयर टू सिटीज पे, राइट, तो जैसे हल्द्वानी है, हल्द्वानी में हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हमारे पास आती है एड्स के थ्रू हम उनसे पुश करते हैं लोगों के मोबाइल डिवाइसेस में। अच्छा, मतलब जिनको उसकी रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, जैसे मान लो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक डुप्लेक्स आया, राइट, हमने उसका एक वीडियो बनवाया बहुत अच्छा सा अपना मार्केटिंग के हिसाब से, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन हमें लगता है कि इनिशियली कस्टमर के लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम उसमें डालते हैं कि अच्छा ये 3 BHK 4 BHK लोकेशन क्या है, क्या बजट में आपका फर्स्ट प्राइस जा रहा है, राइट, तो वो हम कस्टमर को देते हैं, फिर उसको हम पुश करेंगे एड्स के थ्रू फेसबुक इंस्टाग्राम, राइट। ओके, मतलब मेनली सर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज वन पार्ट ऑफ इट। देखो इसमें दो पूरे एग्रीगेटर के तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक प्रॉपर्टी और कस्टमर रजिस्टर को मेंटेन करना, ये हमारी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। सेल्स और मार्केटिंग का जो पार्ट है उसमें एक पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग, जो हम मानते हैं कि मेनली हमारा जो बजट है डिजिटल मार्केटिंग में हम स्पेंड करते हैं। एट द सेम टाइम इसके अंदर प्रिंट मार्केटिंग भी होती है, हम लोग प्रिंट भी छापते हैं और डिस्ट्रीब्यूट। सर आप इस बारे में बताइए थोड़ा, जैसे कि आपके बिजनेस में दो तरह की मार्केटिंग आप कर रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, ऑफलाइन मार्केटिंग है, तो आप दोनों मार्केटिंग को किस तरह से और किस रेशो में लेके चलते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो डिजिटल मार्केटिंग का जो हम बजट रखते हैं जनरली वो हमारा ऑलमोस्ट 60% रहता है हमारे टोटल मार्केटिंग स्पेंड का। ओके। क्योंकि मेजरली हम डिजिटल के थ्रू टारगेट करते हैं कस्टमर्स, राइट, क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको बताया हमारे रेजिडेंशियल कमर्शियल वर्टिकल्स हैं, जो तीसरा वर्टिकल है हमारा वो है हिल कॉटेजेस का, राइट, एंड जो फोर्थ वर्टिकल है वो होम स्टेज का है, जो हिल कॉटेजेस होम स्टेज का कस्टमर है वो हल्द्वानी में नहीं है। ओके। क्योंकि हल्द्वानी में हम सब पहाड़ी लोग हैं, हमारा अपना घर ही है पहाड़ में, राइट, तो ज़्यादातर लोगों को इतना टेंशन नहीं है कि कहाँ जाके रहेंगे, लेकिन जो कस्टमर दिल्ली से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, वो अपना एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड लेना चाहता है, अपना जो ड्रीम लाइफ होती है उसके लिए कॉटेज बनाना चाहता है, तो वो तो दिल्ली नोएडा में, उसको टारगेट करने के लिए मैं प्रिंट कहाँ चलाऊंगा, है ना, अब मुझे ऑब्वियसली डिजिटल के थ्रू ही जाना पड़ेगा, इजियर एंड इकोनॉमिकल। और सर आप जो ऑफलाइन मार्केटिंग बोल रहे हैं, आप ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे करते हैं ब्रांड की? ऑफलाइन मार्केटिंग अभी तक जो हमने करी है मोस्टली हमने पैम्फलेट्स छपवा के डिस्ट्रीब्यूट करे ओवर हल्द्वानी। जो सबसे पहले पैम्फलेट मैंने छपवाए थे वो पीजीज के लिए थे, तो हमने हल्द्वानी के सारे पीजीज को लिस्ट कराया rent2buy.in पे। ओके। और एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट अगर हमें कॉल करते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उनके सूटेबल पीजी का एड्रेस दे देंगे, फोन नंबर दे देंगे ओनर का, और उसमें आपकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, उसमें हम कुछ भी चार्ज नहीं करते स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट सर्विस इज एब्सोल्युटली फ्री। तो सर ये उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए या सब? देखो अभी तो हमारे पास सिर्फ हल्द्वानी और रुद्रपुर के पीजी है, तो हल्द्वानी रुद्रपुर के स्टूडेंट्स हमें फोन कर, जैसे मैंने आपको बताया हमारा हाइपर लोकल सेटअप है, तो हम बहुत लोकलाइज हैं हल्द्वानी के अंदर और कुमाऊं रीजन के अंदर। तो अब क्या है, हल्द्वानी के पीजीज हमारे सारे लिस्टेड है गर्ल्स एंड बॉयज, आप हमें फोन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट वी विल हेल्प यू टू फाइंड अ गुड पीजी। दूसरा, जो जितने भी बाइंग एंड सेलिंग होती है उसकी एक अवेयरनेस लोकल लोगों में हो, इसके लिए हम पैम्फलेट्स ऑन एंड ऑफ वेव्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब एवरी 2 months वी स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द पैम्फलेट्स टू द कस्टमर्स, जिससे भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है प्रिंट मार्केटिंग से। अब सर जैसे आपने बोला कि आप लिस्ट करते हैं, जैसे तो सेम सिनेरियो होगा ना, जैसे मैजिक ब्रिक्स में होता है कि आपकी प्रॉपर्टी, जैसे कोई पीजी था अगर वो जैसे रेंट आउट हो गया, फिर वो सेल आउट हो गया, तो वहाँ से आप रिमूव करते हैं, किस तरह से प्रोसीजर होता है वाला? देखो पीजीज में क्या होता है कि सपोज जैसा हमने अभी तक करा है, सपोज कोई पीजी के पास हमने कॉल करा और उसने हमें बोला कि अब तो मेरे पास सीट्स नहीं है, राइट, तो हम उस लिस्टिंग को होल्ड पे डाल देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी उनके पास लिस्टिंग नहीं है, लेकिन बाद में आ जाती है। सिमिलरली जैसे मान लो हमने कोई प्रॉपर्टी लिस्ट करी, सो वी हैव अ चेक मैकेनिज्म, हम लोग जो हमें डेटा क्वालिटी को भी कंट्रोल करना है,
राइट, तो उसके लिए जो ऑपरेशनल सेटअप होता है वो इस तरह से होता है कि हम लोग उनको कॉल करते हैं एवरी 3 मंथ्स, राइट, क्योंकि अभी हमारा ऑपरेशन इतना लार्ज स्केल नहीं है, तो हम 3 मंथ्स में एक बार चेक करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ कि इज द प्रॉपर्टी स्टिल अवेलेबल, आपका अगर आपके पास अभी भी प्रॉपर्टी है तो हम आगे उस पर वर्क करेंगे, तो हम उस पर आगे वर्क करेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको होल्ड पे डाल के या सोल्ड मार्क करके वेबसाइट पे छोड़ देते हैं। ओके सर, जैसे कि आपने हल्द्वानी के बारे में काफ़ी सारी बातें करी हैं, ठीक है, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि जो हल्द्वानी में हॉट इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि वो कहाँ कहाँ पे जो लोकेशन वाइज होते हैं? हॉट इन्वेस्टमेंट तो देखो यार डिपेंड करता है, राइट, किसी के लिए कोई हॉट है, किसी को माधुरी दीक्षित अच्छी लग रही है, किसी को कैटरीना कैफ, हाँ बिल्कुल ये तो है, लेकिन तो जिसको जो हॉट, अब हॉट तो मैं कहूँगा मोस्ट वैल्यू इन्वेस्टमेंट मेरा ज्यादा रहता है कि सबसे ज्यादा वैल्यू आपको अपने इन्वेस्टमेंट की कहाँ पे मिलेगी, हाँ तो वही लोग, और सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा हॉट कह लो, चलो तुम्हारा लैंग्वेज भी ले लेते हैं, हॉट लगा लो, राइट, जहाँ पे आजकल बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैं बोलूंगा वो तो है आपका इको टाउन। ओके, इको टाउन इज वेरी हॉट राइट नाउ, इको टाउन ने मतलब इतना अप्रिसिएशन देखा है, आप ऐसा लगाओ कि इन 2021-22 हम लोग 2500 के रेट देख रहे थे इको टाउन में, और आज की डेट में मतलब 4-4.5 भी पहुंच गए। तो सर ये आप कमर्शियल के लिए बोल रहे हैं या फिर रेजिडेंशियल के? इको टाउन इज अ रेजिडेंशियल स्पेस, और अगर हम बात करें कमर्शियल की तो कमर्शियल के लिए कहाँ पे होगा? कमर्शियल में देखो सबसे पहले तो कमर्शियल के लिए हमें एरिया की ज्योग्राफी समझनी जरूरी है, राइट, जैसे रेजिडेंशियल का मैंने तुम्हें बता दिया इको टाउन, प्लाजियो, और तीसरा है तुम्हारा देयर इज वन मोर प्लेस विच यू कैन से इज क्वाइट हॉट इज जो वॉकअवे के अराउंड वैशाली कॉलोनी और ये सारी चीज़ें, दीज आर क्वाइट गुड, उस तरफ भी बहुत अच्छे अच्छे मतलब 65 लाख 70-80 लाख तक जा रहा है फ्लैट का प्राइस, दैट एरिया इज ऑल्सो वेरी गुड। कमर्शियल देखो अगर तुम समझोगे कि एग्जिट्स कौन सी हैं सिटीज़ की, तो जो एग्जिट्स हैं वो डेवलप हुए हैं, राइट, कमर्शियल में, कमर्शियल में देखो एक एक एग्जिट जो अभी बहुत हॉट है वो अपना नैनीताल बरेली रोड है, नैनीताल बरेली रोड है ना, जैसे तुम काठगोदाम से चले, काठगोदाम से चलते हुए मेन रोड फॉलो करते रहो तो डिग्री कॉलेज तक, दैट कमर्शियल बेल्ट इज वेरी गुड, इट हैज गॉट सच अ ग्रेट फ्यूचर, और उसमें स्टोर्स भी सारे वहीं पर ही हैं, सारे ब्रांड्स वहीं पर ही हैं, सारे खाने पीने के ब्रांड्स वहीं हैं। अब देखो मेरे को खाने पीने का बहुत शौक है, तो मैंने जब रोल किंग्स देखा था, रोल किंग्स आ गया हल्द्वानी में ना, इमेजिन मतलब डोमिनोज और पिज्जा हट तो हर जगह आ जाते हैं, बट रोल किंग्स अगर कोई यहाँ पे ला रहा है दैट मीन्स फूडी पीपल आर देयर, राइट, तो रोल किंग्स यहाँ पे आ रहा है, ज्वेलरीज के सारे ब्रांड स्टोर्स वहीं पे हैं, क्लोथिंग के सारे ब्रांड स्टोर्स वहीं पे हैं, कल्याण ज्वेलर्स, एवरीबॉडी इज देयर है ना, और बहुत सारे ब्रांड मिलते हैं, जैसे कि एंड यू सी दो तुम्हारा रेट चल रहा है पर स्क्वायर फिट, राइट, दैट इज ऑल्सो टचिंग 120-140 पर स्क्वायर फिट, आप 1000 स्क्वायर, हाँ ये रेंटल है। ओके, अब कमर्शियल में तो सेलिंग में तो कहाँ पहुँच गया रेट, बट आपके रेंटल के रेट ही 120 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट आ रहे हैं, जो कि किसी भी मेट्रो के कंपेरिजन में है, मतलब दीज आर नॉट चीप प्लेसेस, ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्लेसेस हैं हल्द्वानी के अंदर, लोग जनरली रियलाइज नहीं करते, लोगों को लगता है कि अच्छा चलो ब्रांड स्टोर खुल गया है, लेकिन वो ब्रांड स्टोर खोलने के लिए इतना ज़्यादा रेंट दिया जा रहा है आजकल के टाइम पे, एंड इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर हल्द्वानी के प्रॉपर्टी मार्केट के लिए भी, जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब वो हॉट है, नाउ कमिंग टू, अब आ जाओ दूसरा एग्जिट है हल्द्वानी से बाहर रामपुर रोड का, नीचे बरेली रोड, मतलब सुशीला तिवारी हॉस्पिटल से नीचे आ गए, बिल्कुल राइट, वहाँ पे सारी ईटरीज, आपके सारे होटल्स रेस्टोरेंट्स है ना, कि बेसिकली हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नगर तक, और उसके नीचे फिर कैफे स्टार्ट हो जाते हैं, बिल्कुल राइट, पंचायत घर पर, हाँ अगर मैं बिल्कुल प्लेस मार्क करते हुए चलूँ तो ये एक बहुत अच्छा सेगमेंट है विच इज अपकमिंग कमर्शियल के लिए। तीसरा नॉट टू फॉरगेट, आप ऊंचा पुल की साइड चले जाओ, ऊंचा पुल बहुत ही तेजी से डेवलप हो रहा है, हाँ सर अभी राइट नाउ अनअकैडमी भी उधर ही आ रहा है, अनअकैडमी भी उधर ही आ रहा है, तो अब वेरी सून मतलब ये एक स्कूप ही है हल्द्वानी वालों के लिए, बट लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स हल्द्वानी में खुलने वाला है, लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स सीपी में है, बहुत बड़ा चेन है, ये लोग बार्स एंड पब्स हैं, अगर हल्द्वानी में लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स हो जाएगा तो लड़कों के लिए पार्टी करने का बहुत ही अच्छी जगह बन जाएगी, और ये वहीं बनेगी जिस रोड पे मैं रहता हूँ। ओके तो ये है स्कूप, ये है कि लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स आने वाला है हल्द्वानी के अंदर। ठीक है सर, बहुत सारे आपसे बातें हुई हैं, आपसे पूछा जा रहा है आप
आप अपने जो फर्स्ट क्लाइंट था आपका रेंटोबाय पे, आप उसके बारे में बताइए कि मतलब कि आपने जो फर्स्ट क्लाइंट आपका क्लोज किया था, जिस भी तरह से आप अपने क्लाइंट को समझना चाहते हैं, उसका एक्सपीरियंस हम लोगों को बताइए। देखो फर्स्ट क्लाइंट वैसे हमेशा ही स्पेशल रहता है। फर्स्ट क्लाइंट को हम क्लोज नहीं करते, फर्स्ट क्लाइंट से हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। तो फर्स्ट क्लाइंट ऐसा था यार, व्हेन आई स्टार्टेड एक्चुअल सिस्टमैटिक सेटअप, और तुम लोगों से ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जानता कि हमने रेंट टू बाय अपना फटाफट स्टार्ट करा था, ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैपेंड। हम लोग बेसिकली कॉटेजेस में थे उससे पहले, जो हमने एड्स और अपने वेबसाइट की शुरुआत करी थी वो मेरा एक शुरू का इनिशियल स्टार्टअप था हीलो सिटी के नाम से। बिल्कुल सर, वहाँ से मैंने अपने कॉटेजेस का शुरू करा था। हम लोग कॉटेजेस में डील कर रहे थे, मैं पूरे कुमाऊं में घूम रहा था, कभी मैं इधर रामगढ़ जा रहा हूँ, कभी मैं रानीखेत जा रहा हूँ, कभी अल्मोड़ा, है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, हम सब जगह घूम रहे हैं, और कुछ अच्छे बड़े प्रोजेक्ट भी थे मेरे पास उस टाइम पे जो हम सेल ऑफ कर रहे थे। तो इसी के बीच क्या हुआ, एंड काइंड ऑफ फर्स्ट सेल का वेट ही हो रहा था, राइट, कि अब सेल करेंगे और हम लोग स्पेंड कर रहे हैं, बर्न आउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेल ऐसे हुई थी कि मेरे पास, मैं इधर बैठा हुआ था एक शॉप में, हम लोग घूम रहे थे, हमने गाड़ी वाड़ी खड़ी करी चाय पीने के लिए, भीमताल की एक शॉप थी, द चाय की दुकान। तो चाय वाय पी रहे हैं, मैगी खाना तो बनता ही है ना। तो हम लोग वहाँ पे ऐसी बात कर रहा था, मैं ये कॉटेज ये इसका इतना रेट चल रहा है ऐसा ऐसा ऐसा। तो जो चाय वाला था उसने मुझे बोला, सर आप इसका काम करते हैं और ये सर? तो उन्होंने कहा, सर मैं भी यहाँ लोकल का देखता हूँ, ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, पंकज नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास भी है ऐसा ऐसा, मैं इधर का देखता हूँ, आपको मैं नंबर दे दूँ ऐसे। मैंने कहा ठीक है, ये ले लो नंबर। और हम लोग तब स्टार्ट ही कर रहे थे, आई वाज लाइक कि मैंने इतना टैप नहीं करा था लोगों को, राइट। तो इसने मेरे को 2 या 3 दिन बाद एक वीडियो भेजा, एक नाली के प्लॉट का, एक नाली इज अराउंड 2100 स्क्वायर फीट। हाँ, तो उसने मुझे वो भेजा, उसने कहा कि सर ये ऐसा ऐसा है, इसकी सेल होनी है। तो मैंने कहा एक नाली में कितना बनेगा, क्या बिकेगा, राइट। तो मैं इतना ध्यान भी नहीं दे रहा था। तो फिर क्या हुआ, उसी हफ्ते में ना वन ऑफ माई रिलेटिव सेड कि मुझे अपना घर बनाना है भीमताल एरिया में। अच्छा, आप मेरे को ऐसा जमीन वमीन का आपने शुरू करा है, बताओ। तो मेरे को इसकी याद आई, फिर मैंने इसको फोन करा। तो क्या हुआ कि जिसकी वो एक नाली थी उसको डिस्ट्रेस सेल करनी थी, क्योंकि अच्छा, उसकी बेटी की शादी थी नौ दोस्त तक। तो उसमें हमें बहुत अच्छा रेट मिल गया। तो दैट वॉज द फर्स्ट डील विच आई एक्चुअली क्लोज्ड, एंड इट वॉज जस्ट आउट ऑफ नोवेयर। तो अभी मैं देखता हूँ, जब मैं पीछे जाके सोचता हूँ उस चीज़ के बारे में, तो मेरे को लगता है कि कभी कभी यू नो प्रॉपर्टी डीलिंग एक ऐसी मतलब चीज़ है, और रियल एस्टेट का काम एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ना आप ड्रीम्स मैच करते हो एक्चुअली। एक तरफ किसी को अपने शादी करनी है, एक तरफ किसी को अपना ड्रीम हाउस बनाना है, तो आप एक तरह के ड्रीम मैचर होते हो ना, ड्रीम व्यूअर होते हो। तो आप लोगों के लिए सपने बुनते हो और लोगों के सपने पूरे करते हो। तो ये मेरी एक अच्छी शुरुआत रही, विच वाज अ गुड स्टार्ट फॉर मी। सर आपने मतलब कि भी बताया मतलब कि प्रॉपर्टी डीलिंग वाला कॉन्सेप्ट आपका हीलियो सिटी से, तो मतलब कि आप अपना बैकग्राउंड भी बताइए यहाँ पे थोड़ा सा, कि जो आपका बैकग्राउंड है वो इसी में रहा है या पहले से किसी और में भी है? नहीं, नॉट एग्जैक्टली, वी ऐसे शुरुआत नहीं हुई थी। और तो आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो हल्द्वानी में मेरी जो एजुकेशन है दैट वॉज फ्रॉम सेंट पॉल्स। सेंट पॉल्स से हमने अपनी पूरी पढ़ाई करी है। सेंट पॉल्स से पढ़ाई करने के बाद कोई रियल एस्टेट में आने का ऐसा मन नहीं था उस टाइम पे, बिकॉज उस टाइम हल्द्वानी रियल, हम लोग अब की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊँ तो 2002 में मैंने 12th करी थी। ओके, है ना, अराउंड 22 इयर्स। तो मैं थोड़ा सा यंग तो दिखता हूँ लेकिन इतना यंग हूँ नहीं। तो 2002 में हमने शुरुआत करी, देन MEPG से मैंने अपना ग्रेजुएशन करा है। उसके बाद मैंने अपना MBA करा है 4 School of Management Delhi से, जो मेरा फाइनेंस एंड मार्केटिंग में था। फाइनेंस एंड मार्केटिंग से अपना MBA करने के बाद मैंने ईवैल्यू सर्वे एक मल्टीनेशनल ज्वाइन करा था। सो वहाँ पे एज अ टीम मेंबर ज्वाइन करा था मैंने। देन वहाँ से रैंक्स में बढ़ते बढ़ते आई लैंडेड अप एज अ ग्रुप मैनेजर। ग्रुप मैनेजर इज बेसिकली मैनेजर ऑफ मैनेजर्स। ओके ओके, राइट। तो ये सब कुछ मतलब हो गया था मेरा 2010 तक। 10 तक आई वॉज अ ग्रुप मैनेजर 7-8 साल में। सो वी डिड ऑल दैट और MBA भी कर लिया। आप नहीं, ग्रुप मैनेजर में 14 में होना था, 12 में आई वॉज मैनेजर।
उससे पहले इट वॉज अ मल्टी नेशनल कंपनी, इट वॉज अ रिसर्च फर्म, इवैल्यूसर्व अगर आप ढूंढोगे भी तो. एंड आई रियली वॉन्ट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, ये यूट्यूब पे भी जाएगा. आई वॉन्ट टू थैंक माई फ्रेंड्स इन इवैल्यूसर्व, माई कलीग्स, कि बहुत सारे अच्छे लोगों के साथ मुझे काम करने को मिला जिससे रोज हम कुछ ना कुछ सीखते थे. एंड आई हैव डन, आई वॉज काइंड ऑफ स्टार्टेड एज अ डेटा एनालिस्ट, उसके बाद मैं प्रोजेक्ट मैनेजर बना वहाँ पे. मैंने प्रोजेक्ट्स, सो आई हैव स्पेंड अराउंड 6 months इन सिडनी. तो वहाँ पे जाके डॉयचे बैंक के लिए आई हैव कंप्लीटेड अ डेटा माइग्रेशन प्रोजेक्ट उस टाइम पे, इन 2012, आई थिंक इट वॉज 2010-12 की बात थी, अब इतनी पुरानी हो गई याद नहीं आ रही. बट देन उसके बाद डेटाज में ही काम करते करते आई वॉज लुकिंग इन टू इक्विटी पब्लिशिंग. इक्विटी पब्लिशिंग क्या होता है कि जैसे आप शेयर्स एंड स्टॉक मार्केट देखते होगे ना. बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना. तो शेयर्स एंड स्टॉक मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग आता है, राइट. उसकी कॉल्स आती हैं, एक रिपोर्ट सी आती है, उस पर लिखा रहता है बाय सेल, ये टारगेट प्राइस, ये करेंट प्राइस. तो वो किस तरह से पब्लिश होती है, तो मेरे अंडर एक टीम थी जो कि आपका डेटा प्रोवाइड करती थी नंबर्स के, जैसे ईपीएस, पीई रेशियो कैसे होता है. अच्छा, अंदर के टेक्निकल्स. हाँ, जितने भी टेक्निकल्स होते हैं वो सारे की एक डेटाबेस टीम होती थी, उसको मैं हैंडल करता था. तो दैट वाज वन पार्ट ऑफ माय जर्नी. उसके बाद देन आई मूव ऑन टू डॉयचे बैंक. डॉयचे बैंक के साथ आई वर्क फॉर अराउंड 4 years. Then I moved to Equity Partners. So Deutsche Bank के साथ I did a project. I was in London for 1 month. यहाँ पे हमने एक project setup करा था उनका. यहाँ पे मतलब कि आपका ये मतलब कि आपका वो रहा background. This is my background. I started as a data analyst. Became a project manager. Worked with Deutsche Bank. फिर मैंने Equity Partners के साथ as a associate director काम करा है around 2 years. So having done all of that. तो होता क्या है ना, देखो जैसे आपके कॉर्पोरेट, वहां से यहाँ तक का सफर क्या है वही बता रहा हूँ. तो कॉर्पोरेट्स में क्या होता है कि इन कॉर्पोरेट व्हाट यू आर डूइंग इज, आपके सामने एक जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे थे, राइट, द प्रॉब्लम वी वेर सॉल्विंग वाज एब्स्ट्रैक्ट, राइट. अब एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, जैसे आपको 2+2 करना है तो आप लिखोगे 4, क्योंकि आपको पता है एक वे है 2+2=4 करना है. लेकिन हमें जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं दे वर्क ऑन प्रोबेबिलिटीज, राइट. आपको देयर इज नो सॉल्यूशन एज सच, यू हैव टू बिल्ड द सॉल्यूशन, यू हैव टू डेवलप द सॉल्यूशन, एंड देन यू हैव टू डिलीवर द सॉल्यूशन, एंड द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद यू, राइट. तो जैसे मुझे किसी लेमैन को समझाना होता है ना, तो हम ये कहते हैं कि वी आर मोर लाइक अ स्ट्रैटेजी टीम. हम लोग, all the smart people are in one room, they develop a strategy and then execute it, and then we see ki acha hum kitna success rate hame mil raha hai. So we did that for quite some years. We did some great projects, we had some spectacular failures bhi hue hamare. So all of that happened, that became part of life. To hum log na uncertainty ke sath jeena seekh jate hain ek time ke baad, right. To hame uncertainty se itni problem nahi hoti hai. So we did that. So at one point in my career, ऐसा हुआ कि I came back here, corona भी चल रहा था, all of this was happening, right? और तो हल्द्वानी आने के बाद then I thought कि यार I have done a lot of work in the bank now. So now it's finally the time when I have to step out and start doing something of my own, right? And one of the reasons was I was quite comfortable financially. I am a very prudent person. So मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर, you know, I don't spend a lot. So I had a good corpus. So I was comfortable financially. So I finally said goodbye to all my colleagues. कि it's time for me. And to start something of my own. I was very much interested in real estate since the beginning. Real estate ने मुझे बहुत attract करा. And one of the major reasons was कि real estate एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप leverage कर सकते हो डेट को. अब डेट लेवरेजिंग क्या होता है, डेट लेवरेजिंग ये होता है कि आप डेट लेके अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर सकते हो. ये अपॉर्चुनिटी आपको स्टॉक मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है. सर आप इस चीज को बताइए, जैसे कि जो आपका रियल एस्टेट है और अदर जो अदर इंडस्ट्रीज हैं वो किस तरह से डिफरेंट है, मतलब जैसे कि रियल एस्टेट हुआ या फिर जैसे आपने भी बात करी थी ट्रेडिंग की, तो दोनों में मतलब क्या डिफरेंस है. देखो दोनों ही बहुत ही अच्छे एवेन्यूज हैं अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो,
ओके सो इफ यू आर बाइंग अ स्टॉक आपको पता होना चाहिए आप क्यों खरीद रहे हो, इसलिए नहीं कि किसी ने बोल दिया तो आपने खरीद लिया, राइट? यू हैव टू लुक एट द वेरिएबल्स विच आर एट प्ले इन वेरी सिंपल टर्म्स की आपको अपने फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए. दैट इज वन थिंग. नाउ हाउ इट इज डिफरेंट, स्टॉक मार्केट क्या है, बहुत ज्यादा टेक्निकल है, राइट? बहुत लोगों को लगता है अरे हम एक स्टॉक ले लेंगे वो हमारा 10 गुना हो जाएगा फिर हम उसे बेच देंगे. अब मैं एक छोटा सा वर्ड बोलूंगा, रिस्क मैनेजमेंट. ओके, राइट? तो ट्रेडिंग रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो देन इट्स ऑफ नो यूज टू यू, ठीक है? एंड ट्रेडिंग एक ऐसी प्रोसेस है, ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस. लोग ये सोचते हैं कि मैंने आज एक स्टॉक ले लिया मैं इसे 10 साल बाद बेचूंगा तो मैंने एक लॉन्ग टर्म ट्रेड कर लिया, राइट? That's not actually trading. वो तो long term investment है. तो लोग investment और trading में फर्क नहीं कर पाते हैं, है ना? तो आपको short term trading करनी है. आप intraday तो बहुत बाद में आता है. मेरे ख्याल से momentum investing for 2-3 months, अगर जो मैं word बोलो ना Google कर लोगे आपको सब पता चल जाएगा कि momentum investing क्या होता है. Momentum investing में 2-3 months के लिए आप एक stock में invest करते हो जिसका price ऊपर की तरफ बढ़ रहा है. तो generally क्या होता है, हर चीज का एक inertia होता है. अगर आप गाड़ी को एक्सेलेटर दोगे, एक्सेलेटर छोड़ देते हो तो क्या होता है, थोड़ी देर तक गाड़ी और आगे बढ़ती रहती है ना बिना एक्सेलेरेट करे. मोमेंटम होता है उसका, वैसे ही स्टॉक का भी होता है. एक बार उसे एक्सेलरेशन मिल गया थोड़ा दूर तक तो वो थोड़ा दूर तक और ऊपर जाता है. तो वो एक्सेलरेशन खत्म होने वाली जगह से लेके जितनी जगह तक ऊपर जा रहा है वहां तक उस खत्म होने वाली जगह पे स्टॉक को खरीद लो और जहां पे वो खत्म हो रहा है एग्जैक्टली वहां पे बेच दो. अब कहने में कितना आसान है लेकिन इसे अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है. तो आपसे बात करने में काफी अच्छा लग रहा है. आपने भी काफी सारा शेयर किया अपने जो आपका बैकग्राउंड था, जैसे कि आपने बैंक वगैरह में भी काम किया है. तो थोड़ा आप अपने जो आपने जो पुराना एक्सपीरियंस है उसको आप अपने जो रेंट बाय है उसमें किस तरह से लगी जो उसका यूज करते हैं पूरा उसको थोड़ा डिटेल में बताइए कि आप यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल्स कैसे संभालते हैं और आपकी जो स्ट्रेटजीज होती है वो किस तरह से होती है. सी रेंट टू बाई एज अ प्रोडक्ट अगर मैं इसको एनालाइज करूँ, राइट? तो रेंट टू बाई में देर आर जनरली 4 verticals, ठीक है? पहला वर्टिकल है हमारा रेजिडेंशियल, ओके. दूसरा वर्टिकल है कमर्शियल, तीसरा वर्टिकल है हमारा हिल कॉटेजेस और चौथा वर्टिकल है हमारा आपका होम स्टेज का, जो कि अभी हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं चौथे वर्टिकल को, राइट? अच्छा. तो आई विल एक्सप्लेन इट वन बाई वन कि हम हर वर्टिकल में कैसे काम करते हैं प्रोडक्ट. तो जो हमारा रेजिडेंशियल वर्टिकल है उसमें दो तरह की चीजें होती है, एक तो बाइंग एंड सेलिंग और एक रेंटिंग, राइट? ये हमारे दो रेवेन्यू जनरेटर्स हैं इसके अंदर. तो रेंटिंग में हमारा बहुत ही सिंपल मॉडल है, सिंस हम लोग फ्रंट लाइन प्रॉपर्टी डीलर्स नहीं बनना चाहते, राइट? हम लोग प्रॉपर्टी डीलर्स का इन सिंपल वर्ड्स होलसेलर बनना चाहते हैं. अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर्स के भी जो मतलब कि आपके साथ कनेक्टेड रहे हैं वो प्रॉपर्टी डीलर्स. एग्जैक्टली, हम प्रॉपर्टी डीलर्स का एक नेटवर्क बना रहे हैं हल्द्वानी के अंदर. हमारे साथ कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स अभी जुड़े भी हैं. हम उनको हाउसेस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्लाइंट प्रोवाइड करते हैं जो भी हमारे पास आता है, एंड वी चार्ज 25% फॉर इट. ओके, ये हमारा सिंपल रेवेन्यू मॉडल है, नो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व. अगर आप 10,000 रुपये का रेंट का घर है तो 2500 हम लेते हैं और 7500 अपॉर्चुनिटी हम अपने पार्टनर को प्रोवाइड करते हैं कि वो अर्न करे. अब हम कैसे हेल्प कर रहे हैं, हर प्रॉपर्टी डीलर के पास इस तरह का मार्केटिंग का स्कोप नहीं होता बजट के हिसाब से, राइट? उनके पास इतनी रीच नहीं होती, तो हम उन्हें एक बड़ा प्ले फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप बड़े लेवल पे प्ले करना शुरू करें. एट द सेम टाइम वो भी कभी उनके पास हो सकता है कोई ऐसा कस्टमर हो जिसके लिए प्रॉपर्टी ना हो, तो वो हमसे ले सकते हैं. अगर भी हमारे पास ऐसा होगा कि हमारे पास कस्टमर तो है प्रॉपर्टी ना, हम उन्हें दे सकते हैं, राइट? तो इस तरह से हम लोग शेयर करते हैं अपने रेवेन्यूज और उनके लिए हमने रेट्स भी बहुत कम रखे हैं. तो दिस इज हाउ वी आर हेल्पिंग देम. सेम इसको और सेम तरह से इधर आ जाएं अगर हम बाइंग एंड सेलिंग के अंदर, तो उसमें हम बेसिकली डील जेन मॉडल पे काम करते हैं. डील जेन यानी डील जनरेटर, राइट? डील जनरेटर क्या करता है, सेम थिंग. किसी भी डील के अंदर दो पार्टीज होती है, एक बायर होता है एक सेलर होता है, ठीक है? अब मेरे पास प्रॉपर्टीज है, मैं एग्रीगेटर हूँ, सेम टाइम पे मेरे पास बायर्स भी हैं. तो अब दोनों में से अगर कोई एक चीज मिसिंग है मेरे पास तो मैं उसको अपने डीलर नेटवर्क में ओपन कर देता हूँ कि आप लोग मेरे पास ये प्रॉपर्टी है पर मेरे को इसका बायर नहीं मिल रहा, आप आ जाओ, राइट? या मेरे पास ये बायर है लेकिन मेरे पास इसके सूटेबल प्रॉपर्टी नहीं है, क्या आपके पास है? तो हमारा एक व्हाट्सएप पे अनाउंसमेंट ग्रुप है, उसमें मैं वो डाल देता हूँ और
जबकि टीम भी उसे शेयर कर रही है। तो जैसे ही अगर आपको लगता है कि आपके पास जेन्युइनली कोई प्रॉपर्टी है जो हमारे बायर के लिए सूटेबल है, तो वो आप हमें भेजो, हम उसे एक बार वेट करेंगे, जाके देखेंगे एंड देन वी फॉरवर्ड अवर बायर। उसके बाद हम कहते हैं सिंपल रखो भैया चीज़ों को, राइट। आप अपने जो भी कमीशन आपका बनता है, आप जिस भी मॉडल पे अपने ओनर के साथ या बायर के साथ काम कर रहे हो, आप उस तरफ से जो भी कमीशन बनता है आप लो, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जो भी चीज़ ला रहे हैं, प्रॉपर्टी ला रहे हैं या बायर ला रहे हैं, इस तरफ का कमीशन हम देंगे, एज सिंपल है। तो ये डील जेन मॉडल। अच्छा, तो ये हमारा रेजिडेंशियल स्पेस में चलता है। नाउ कमिंग टू कमर्शियल स्पेस, कमर्शियल स्पेस के रेवेन्यू जनरेटर कैसे होते हैं? अब आप देखो कमर्शियल स्पेस में देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन हल्द्वानी जो अनटैप्ड है, ठीक है। कमर्शियल स्पेस सिर्फ दुकान नहीं है, ठीक है, दुकान की बाइंग सेलिंग कमर्शियल स्पेस नहीं है, इतने सारे आपके स्टोर्स खुलने वाले हैं हल्द्वानी में। हल्द्वानी की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हल्द्वानी का डिस्पोजेबल इनकम खुल रही है, कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, एक एक हजार स्क्वायर फीट के बहुत सारे आपके फ्लोर्स हैं, राइट। अब उनको भी रेंट आउट करना है, राइट, उसके लिए भी बायर लाना है। अब जैसे मेरे पास कल कॉल आया दिल्ली से एक ट्रैवल एजेंसी, उन्होंने मेरे को फोन करा, उन्होंने मेरे को सर हम अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं हल्द्वानी में, 500 स्क्वायर फीट की स्पेस चाहिए हमको, और हमें पार्किंग वार्किंग कुछ नहीं चाहिए, हमें अपना एक ऑपरेशन सेंटर खोलना है। तो आप सोचो कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है बाहर के बायर्स का हल्द्वानी के अंदर, राइट। तो उसको टैप करने के लिए हम एक प्रोफेशनल सेटअप है हमारा हल्द्वानी के अंदर, जिसमें हम कमर्शियली लोगों को स्पेस अवेलेबल कराते हैं, और साथ ही साथ जो कमर्शियल स्पेस से रिलेटेड क्लियरेंसेस हैं और ये सारी चीज़ें उनका भी हम ध्यान रखते हैं। एंड एट द सेम टाइम हम अभी वर्क कर रहे हैं लीजिंग स्पेस में, जैसे आपका रिलायंस आता है, आपके बैंक्स आ जाते हैं आपकी प्रॉपर्टी में, इसमें भी हमने वेरी रिसेंटली काम करना शुरू करा है। वी हैव टाइड अप विद सम ऑफ द फर्म्स इन दिल्ली और हम उनके थ्रू अपनी फाइल्स को पुश करना शुरू कर रहे हैं। दिस इज इन वेरी नेसेंट स्टेज बट वी हैव स्टार्टेड दिस। और कमर्शियल स्पेस की अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, आप ऐसे लगाइए कि एक कमर्शियल स्पेस अगर आप नैनीताल रोड पे रेंट आउट कर रहे हो, अगर आप लेट्स से 100 रुपीज़ पे आपकी डील हुई स्क्वायर फिट और आपका 1000 स्क्वायर फिट का फ्लोर रेंट आउट हो रहा है, तो कितना हो गया? 1 लाख रुपए का रेंट आ गया। जो एक प्रॉपर्टी डीलर है जो इस डील को मटेरियलाइज करवाएगा, वो अब मैं ऐसा कह रहा हूँ चीज़ें डिफरेंट होती है, कोई 1 मंथ का लेता है, कोई 3 मंथ्स का भी लेता है अगर कोई ब्रांड आ जाएगा तो, राइट। मैं कहता हूँ कुछ मत करो यार, आप जैसे आप नॉर्मल करते हो वैसे कर लो, 50-50 में कर लो, तो भी आप 50,000 में मार, जो कि आप रेजिडेंशियल स्पेस से कहीं बड़ा बिजनेस है कमर्शियल स्पेस में। बिल्कुल, लेकिन इसको कोई ऑर्गेनाइज्ड सेटअप ही टैकल कर पाता है, अनऑर्गेनाइज लोगों के साथ कंपनीज डील नहीं करती। तो हम चाहते हैं कि हम इसके पायनियर बने हल्द्वानी के अंदर, सो वी आर ऑल्सो वर्किंग टूवर्ड्स इट। तो हिल कॉटेजेस और मैं जो हम करना चाहते हैं काम मोस्टली अराउंड इन कुमाऊं रीजन, राइट, भीमताल नैनीताल इस जगह पर, और आपका मुक्तेश्वर, देन अल्मोड़ा इज अ बिग स्पेस कमिंग अप। तो हम वहाँ पे भी ये चाहते हैं कि वहाँ पे हमारा फोकस है कि फॉर 1 नाली 2 नाली फॉर होम बिल्डिंग, सो दैट इज अवर फोकस देयर। और होम स्टेज के साथ मेरा एक खास पर्पज है, मतलब जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी सोच है होम स्टेज के साथ, लोकल टूरिज्म को प्रमोट करना। देखो मैं आपको बताऊँ लोकल टूरिज्म सर किस तरह से, मतलब देखो यार मैं हल्द्वानी में रहता हूँ, ठीक है, मैंने अब मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ क्या मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं जब भी हिल्स में जाऊँगा रहने के लिए अपनी फैमिली के साथ, मैं किसी होम स्टे में रहूँगा। उसका रीज़न सर ये लोकल टूरिज्म है, राइट, कि मैं हल्द्वानी का बंदा हूँ और मैं अपना लोकल घूमना, मैं अपना लोकल घूमना चाहता हूँ, मैं अपने ही लोगों के साथ जाके रहूँगा, और मैं बाहर और हल्द्वानी के सभी लोगों को मैं कहता हूँ कि आप जब भी हिल्स में जाओ रहने के लिए आप किसी होम स्टे को ढूंढो और वहाँ रहो। एक उससे आपकी लोकल इकोनॉमी प्रमोट होगी, हिल्स से जो ये कहते हैं ना हम, ये माइग्रेशन हो गया, पलायन हो गया, लड़के यंग लड़के बाहर चले गए, ये सब चीजें रुकेंगी, हमारी अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं हमें वो करना चाहिए, हमें अपने लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाके होम स्टेज में जाके रहना चाहिए, और बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा होम स्टे ओनर्स के साथ, राइट, मुझे थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। तो मैं चाहता हूँ ये लोकल टूरिज्म प्रमोट हो ताकि हमारे यूथ को भी एक सपोर्ट मिले, एज अ कम्युनिटी ऑल्सो हम लोग ग्रो करें, हम रियलाइज करें कि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है सब लोग,
और हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि पहाड़ का बच्चा तो पढ़ के दिल्ली चला जाता है कभी वापस नहीं आता। सर मेन रीजन तो प्लान का वही है ना, ताकि मतलब कि उनको या तो जॉब के लिए जाना पड़ता है, कहीं ना कहीं मैटर करता है मनी, मनी मैटर्स। अब हम होमस्टे को अगर पैसा देके आएंगे, लेट से देखो यार एक होमस्टे ना 2500-3500 रुपए का पड़ता है पर डे, 1200 वाले भी 15 मेरी वेबसाइट पे करीब 150 होमस्टे तो उसमें है। तो अगर आप किसी को दो दिन के 4-5000 रुपए देके आ रहे हो, है ना, पहाड़ में खर्चे कम है सर, आपको तो फ्री में पड़ जाता होगा कि काम करवाने। नहीं मैं फ्री जाता ही नहीं, मैं डिस्काउंट लेता ना, मैं मेरे जानने वाले मैं उन्हें भी डिस्काउंट ही देता हूँ, और मैं किसी से जाता हूँ सर्विस लेता हूँ तो उसको भी डिस्काउंट ही लेता हूँ 10-20%, इससे ज्यादा मैं मांगता नहीं उससे। मैं 50% डिस्काउंट वालों में से नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप पैसे लो, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, देर इज नथिंग, देर इज डोंट बी शाई, अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को तो आपको पैसे लेने चाहिए, और उसको बताना भी चाहिए सर मैं वैल्यू के पैसे ले रहा हूँ, है ना। तो वहाँ जाके तो वो क्या करेगा, उस 5000 रुपए को फिर लोकल कम्युनिटी में बांटेगा, है ना, किसी लोकल किराने शॉप से कुछ ले लिया, अपनी बाइक लोकली सर्विस करा ली, कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत सक्सेस मिली हमें इसमें, मतलब कुछ क्लाइंट्स हमने दिए होम स्टेज को, बट इवेंचुअली थोड़ा सा ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से हम उतना ज्यादा इससे स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं, बट वी आर थिंकिंग ऑन दोज लाइंस। तो सर आपसे जो है कन्वर्सेशन काफी अच्छा लग रहा है, अब हम आपसे यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं कि जो आपने मतलब कि इस ब्रांड को एस्टेब्लिश करने में जो प्रॉब्लम्स फेस करी हैं उनके बारे में कुछ बताइए। देखो आई हैव वर्क्ड फॉर बिग ब्रांड्स, राइट? बिल्कुल सर। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम जब आप लोकली किसी ब्रांड को सेटअप करते हो ना, तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो होती है वो होती है आपका कंपैरिजन माइंडसेट का। आप बड़े ब्रांड के साथ अपने ब्रांड को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो। सो सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है माइंडसेट की, तो वो एक शुरू में मुझे प्रॉब्लम आई थी कि अच्छा अगर ब्रांड चलाना है तो उसका लोगो ऐसा होगा, उसका मार्केटिंग ऐसी होगी, ऐसे करना है, राइट? रादर देन स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड वी स्टार्टेड थिंकिंग फ्रॉम द टॉप, राइट? तो विच हेल्प इन अ वे, क्योंकि पुराने ब्रांडिंग की जितनी भी हमारी एजुकेशन थी, जो भी हमने बड़े बैंक्स के साथ जिस तरह से काम करा, that helped a lot to make the systems. But जो system है वो एक अलग environment में run हो रहे हैं, वो local environment में run हो रहे हैं। तो जो शुरू का एक mindset shift और strategy को थोड़ा सा tweak करना था locally, वो एक issue रहा जो हमने within 3-4 months realize करके हमने अपने आप को adapt कर लिया था locally. So जो ये print चलता है जितना भी, हमने अपने digital को भी थोड़ा tweak करा, पहले हमारा digital बहुत English रहता था, फिर वो नहीं नहीं अब हिंदी का भी थोड़ा डालेंगे इसमें, राइट? तो वो छोटी छोटी ट्वीक्स हमने करने शुरू करे उसके साथ, जब हमें रिस्पॉन्स वैसा नहीं आ रहा था तो हमने वो ट्वीक करा। दूसरा ऑपरेशंस में थोड़ी प्रॉब्लम हुई मुझे, स्टाफ हायर करने में काफी दिक्कतें हुई यहाँ पे, मतलब कि स्टाफ ले, ये सर ये तो सर हर किसी स्टाफिंग, में होता है। स्टाफिंग का बहुत स्टाफ रिलेटेड तो इश्यूज होते हैं, क्योंकि ब्रॉडबैंड नेटवर्क ये सब तो कॉमन हो गया आजकल, राइट? लेकिन स्टाफिंग का बड़ा इशू हुआ, ट्रेनिंग में काफी टाइम लगा, बट उसका गेम चेंजिंग पार्ट ये था, मेरा एक क्लाइंट था, मैंने उसको बोला सर किसी से ना कुछ गलती हो गई थी मेरे स्टाफ से टेलीकॉलिंग में, तो मैंने उसको सॉरी वॉरी बोला, मैंने कहा सर आई एम सॉरी आई एल करेक्ट इट, तो वो कह रहा है कि, मैंने कहा ये मैं उसको बोलूँगा कि अपने स्टाफ को बोलूँगा कि ऐसा मत करना आगे, राइट? ये मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स। तो वो मुझे बोला सौरभ आई वॉन्ट टू गिव यू वन एडवाइस कि योर बिजनेस इज यू नॉट योर स्टाफ, तो तुम्हारा स्टाफ क्या गलती कर रहा है दैट डजंट मैटर, बट यू नीड टू मेक श्योर कि वो गलती नहीं हो रही है। ये नहीं कि उसके पास जाके उसको बताते रहना हर वक्त कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो, प्रोएक्टिवली यू हैव टू थिंक एंड यू नीड टू मेक श्योर कि ये गलतियां ना हो, और गलतियां हो रही हैं तो यू डोंट हैव टू टेल योर क्लाइंट कि मैं अपने स्टाफ को बोलूंगा, इट्स यू एट द एंड, तुम हो, तुम अपना बिजनेस। सो दैट डे आई, मतलब वो बड़ा आई ओपनिंग था, मैंने रियलाइज करा कि ठीक है, दैट्स अ लर्निंग मोमेंट, कि मैं हर चीज़ ये नहीं कह सकता कि मेरे स्टाफ ने नहीं करी, या उसने नहीं करी, या वो नहीं आया टाइम पे, या क्लाइंट कहीं बाहर चला गया तो नहीं हुआ, या बैंक वालों ने लोन पास नहीं करा, आई हैव टू मेक श्योर थिंग्स हैपन। ओके सर, सो दैट वॉज अ लर्निंग मोमेंट फॉर बिजनेस। ओके सर, सो अभी आपकी बारी है कि आप अपने जो काफी सारे कन्वर्सेशन लाए हम लोगों का, तो आपको देख के लग रहा है कि आपका ब्रांड जो है काफी आगे तक जाएगा, तो आपने उसके लिए जो है जो कुछ फ्यूचर प्लान्स जो है वो सोच के रखे होंगे, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए।
एज पर व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ ऑन द प्रोडक्ट, जिस तरह से हमने इसको बना लिया अभी रेड टू बाई को एज एन एग्रीगेटर वी आर प्रोजेक्टिंग इट राइट. तो मैं ये देखता हूँ ना कि जैसे बड़ी सिटीज में बैंगलोर दिल्ली इन सब जगहों पे ना मैजिक ब्रिज 99 एकर नो ब्रोकर ये लोग हैं राइट. इन्होंने बड़ा अच्छा पुल करा है, मतलब दे आर पायनियर्स, मतलब इनके फाउंडर्स को आई रियली अप्रिशिएट देम राइट, कि इन्होंने इतने बड़े बड़े सेटअप्स बनाए. लेकिन एक चीज जो मुझे मिसिंग लगती है, व्हाट्स हैपनिंग इज विद बीजेपी गवर्नमेंट कमिंग इन, और मैं पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता, कोई और गवर्नमेंट भी यही कर रही होती शायद, टीयर टू सिटीज पे बड़ा फोकस है राइट. जैसे आप बरेली जाओ है ना, आप हल्द्वानी आओ, आप देहरादून चले जाओ राइट, तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, रोड्स बन रही हैं, अच्छा कमर्शियल स्पेसेस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं राइट. तो व्हाट आई वांट टू डू इज कि जितनी भी हमारी लर्निंग्स है एक एग्रीगेटर को सेटअप करने की एक टीयर टू सिटी में, आई वॉन्ट टू मेक अ फ्रेंचाइज मॉडल ऑफ इट. उसमें हम ये करेंगे कि हम जैसे बरेली में जाते हैं, हम बरेली में कहते हैं कि आप रेंट टू बाई का एक फ्रेंचाइज ले दो हमसे, इनिशियली आप हमको कोई भी एक अमाउंट पे कर दो, लेट्स से 2 to 5 lakhs कुछ भी हो सकता है फ्रेंचाइज अमाउंट. उसमें हम आपको पूरा नो हाउ बताएंगे कि आपको कैसे सेल्स एंड मार्केटिंग करनी है, आपको कैसे ऑपरेशंस रन करने हैं, आपके सोशल मीडिया कैसे चलेगा, आपकी वेबसाइट कैसे चलेगी, जो वेबसाइट हमारी ही है राइट, वहीं पर आप अपनी प्रॉपर्टीज फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर सकते हो. हम आपको बताएंगे कि कैसे बंदों को हायर करना है, कैसे उनसे काम करवाना है, उनको कितना आपने रेन्यूमरेशन देना चाहिए, टेलीकॉलिंग कैसे करवानी है, स्क्रिप्ट क्या है, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी चीज. तो डे वन पे आपके पास एक प्लग एंड प्ले मॉडल होगा, आप हमारे सिस्टम पे ऑनबोर्ड हो जाओगे, आप कंप्यूटर ऑन करो और उसके बाद सोशल मीडिया से आपके पास लीड्स आएंगी, टेलीकॉलर आपका लोकल होगा क्योंकि लोकल लोगों से लोकल लोगों को बात करनी है. आपका जॉब होगा अपने सिटी में लोगों से लायस करना, नेटवर्क करना. अगर आप पहले से आपकी नेटवर्किंग अच्छी है, आप रोटरी के मेंबर हो या किसी ऐसे क्लब के मेंबर हो, तो आप फर्स्ट डे से यू कैन स्टार्ट क्रैकिंग डील्स इन योर ओन सिटी. एक महीने के अंदर अंदर आपके पूरा प्रॉपर्टी सेटअप बन जाएगा. अब इसका क्या फायदा होगा, सपोज हम ऐसे 50 सिटीज में अपना फ्रेंचाइज मॉडल कर लेते हैं, नाउ द फ्रेंचाइज विल इटसेल्फ बिकम अ बिग ऑर्गेनिज्म राइट. एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. अब बरेली वाला कह रहा है कि यार हल्द्वानी वाले को फोन करके कि यार मेरे को इधर कॉटेज चाहिए भीमताल में, हम तो यहीं कर रहे हैं सारा काम, मेरे को कह रहे हैं यार बरेली में कमर्शियल स्पेस चाहिए, एक ब्रांड है वो इधर आ रहा है. बड़े ब्रांड्स के साथ हम पर्सनली जाके डील कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बरेली में रिलायंस का स्टोर खोलना है, बरेली वाले के पास चला गया. यू सी हाउ मनी विल फ्लो इन द सिस्टम. सो उस तरह का सी कहने में बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है, एग्जीक्यूशन में अपने इश्यूज होते हैं इसके, ऑपरेशन के इश्यूज होते हैं, बट दिस इज वेरी मच फीजिबल, दिस इज माई विजन फॉर द ब्रांड कि हम इस तरह से इसको आगे. सर जैसे कि आपने बोला विजन तो काफी बड़ा सा है, तो क्या आप मतलब की सोच रहे हैं कि अपने ब्रांड के अंदर कुछ इन्वेस्टर्स को लाना, या फिर आपका आपके मतलब की किसी और इन्वेस्टर के साथ कोई कोलेबोरेशन वगैरह है, कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे? राइट, सो द स्टेज एट विच माई ब्रांड इज राइट नाउ राइट, वो आप ऐसे लगाओ कि इट्स ऑलमोस्ट रेडी फॉर इन्वेस्टिंग राइट. वी विल बी वेलकमिंग इन्वेस्टर बाय दिस ईयर एंड. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद द फ्रेंचाइज एक्सपेरिमेंटिंग विद फ्रेंचाइज मॉडल. तो हमने एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट कर दिया उसके साथ कि हम फ्रेंचाइज को कैसे रन करेंगे. वंस वी आर कंफर्टेबल इन रनिंग अ फ्रेंचाइज, वी विल स्टार्ट वेलकमिंग इन्वेस्टर्स इनटू दिस, एंड आई एम श्योर कि उनके पास भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी. सी व्हाट यू आर डूइंग इज, जब नो ब्रोकर आया था नया नया, तो लोगों ने कहा कि अच्छा 99 एकर से कैसे चलेगा ये आगे, या हाउसिंग से कैसे आगे जाएगा. हाँ, बहुत सारे बट आज की डेट में नो ब्रोकर ने सब कुछ हिला दिया. अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सोशल मीडिया की पावर है, हमारे पास लोकल नेटवर्क की पावर है, हमारे पास एडवर्टाइजिंग है, हमारे पास मल्टी सिटी फ्रेंचाइज भी होगी एक टाइम पे. तो ये 4 legs हमें एक अच्छा कॉम्पिटिटर के तरह से इस्टेब्लिश कर सकता है. एंड आई हैव प्लान्स फॉर एवरीथिंग, एंड एवरीबडी विल बी अ विनर इन टू दिस, नोबडी इज गोइंग टू लूज एनीथिंग इन दिस. दिस विल बी अ लो कॉस्ट एंड हाई रिटर्न बिजनेस मॉडल वेरी सून. ओके सर, और इसकी एक जो चीज़ है वो मैं ये भी चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में रेरा आने वाला है, हमारा रियल एस्टेट सेक्टर और ऑर्गेनाइज्ड होगा और स्ट्रक्चर्ड होगा. सो वी वांट पीपल हु आर वेल एजुकेटेड एंड हु अंडरस्टैंड द लीगैलिटी, वो लोग भी इस सेक्टर के अंदर आए. रियल एस्टेट का जो एक टैबू है ना कि सिर्फ प्रॉपर्टी डीलिंग होती है, ऐसा नहीं है भैया. आपको मैंने 4 लाइनें बताई,
हाउ मेनी लाइफ कैन यू चेंज। आप रेजिडेंशियल में किसी को ड्रीम हाउस दे सकते हो, कमर्शियल में आप किसी के लिए बड़ा बिजनेस बनवा सकते हो, आप होम स्टेज के थ्रू लोकल टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हो, राइट। हिल कॉटेजेस के थ्रू आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हो कि दे कैन ओन अ सेकेंड होम इन हिल्स। तो आप सोचो, इट्स जैसे मैंने पहले कहा था ना, इट्स अबाउट वीविंग द ड्रीम्स टुगेदर, ब्रिंगिंग द ड्रीम टुगेदर, इट्स अ ड्रीम अपॉर्चुनिटी एंड अ ड्रीम करियर फॉर एवरीबॉडी। तो सर आपसे मतलब कि सारा इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में भी पूछ लिया है, अब आप लास्ट में अपनी थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। पर्सनल लाइफ यार, लाइक एवरीबॉडी एल्स, मेरे कुछ दोस्त हैं 4-5 जो अब क्या कह सकते हैं इसको, मेरा जो ड्रीम है उसमें मेरे को सपोर्ट भी करते हैं, एट द सेम टाइम मेरे सबसे बड़े क्रिटिक भी वही हैं। अच्छा, राइट। सो आई हैव अ गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स इन हल्द्वानी में, मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं बिकॉज मेरी स्कूलिंग यहीं से हुई है, सेंट पॉल से। अच्छा, राइट। एंड टॉकिंग अबाउट द फैमिली, इन माई फैमिली आई हैव टू क्यूरियस चिल्ड्रन, माई डॉटर इज इन LKG, शी स्टडीज इन दीक्षांत, एंड वेरी क्यूरियस, और शी हमेशा मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहते हैं उसके पास। सो आई एम एंजॉइंग बींग अ डैड, आई हैव अ स्मॉल सन 1 year old, तो बोथ ऑफ देम कीप मी बिजी। माई वाइफ, हर नेम इज बसुदा, सो माई डॉटर नेम इज ध्वनी, माई सन्स नेम इज ओम, एंड बसुदा शी इज AVP इन DXC टेक्नोलॉजीज, सो वी बोथ मेट इन गुड़गांव, तो हमारी लव मैरिज है। ओके सर, लव मैरिज। तो देन माय मदर इज उत्तराखंड से है फिर? नहीं नहीं, शी इज फ्रॉम बरेली। और माई मदर इज अ हाउस वाइफ, माई फादर वॉज आई स्पेशलिस्ट, he was a doctor here, corona mein he passed away. So that was life here, life as it is, aur hamara house hai yahi pe Deval Chowk mein. so overall matlab I am more or less what we can say is ki I have traveled a lot of places. My friends and family have helped me in every phase of my life. This mere sabse bade supporter bhi wahi hain, मेरे सबसे बड़े क्रिटिक भी वही हैं, दोनों फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई थिंक आई एम ओवरऑल अ वेरी लकी गाय टू हैव सच अ गुड पीपल अराउंड मी। ओके सर, ऐसे सर्कल होना अच्छी बात है सर, आई थिंक सबके पास होना चाहिए इस तरह। हां, इट्स अ बिग सपोर्ट सिस्टम फॉर मतलब फॉर एंटरप्रेन्योर्स, इट्स स्पेशली अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड योर फैमिली सपोर्टिंग यू। तो सी पर्सनली क्या होता है ना कि एवरी डे वेन आई फेस चैलेंजेस इन बिजनेस, हमेशा कई बार डील्स होती हैं जो बिल्कुल आखिरी में जाके नहीं होती, नहीं हो पाते, राइट। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फेज कि यू आर एंटायरली डिपेंडिंग ऑन दैट, 10 people आर लुकिंग एट यू, राइट। तो अगर मैं पर्सनली देखूँ तो जैसे मैंने बोला था कि आप ना रिस्क के लिए इम्यून हो चुके होते हो अपने कॉर्पोरेट करियर में, क्योंकि देर आर बिग फेलियर्स विच हैज हैपेंड, हमने फेलियर भी देखा ही होता है, तो आपको पता होता है बाद में क्या होना है, कुछ भी नहीं होता। To be very honest, I urge everybody to take risk in your life. लेकिन अब आपके लिए मुश्किल नहीं होता, आपकी फैमिली के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि आप पिछले महीने आप सबको बोल रहे हो कि मैं दो डील कर रहा हूँ अभी, ये वो, राइट, अब तो मैं कुछ नहीं हुआ। तो फैमिली इज लाइक कि अरे यार ये होप कर लेते हैं कि डील होने वाला है, बट एट द सेम टाइम माई फैमिली इज ऑल्सो लाइक दे आर सपोर्टिव, दे आर, आई कैन सी दैट क्या कहना चाहिए, सैडनेस कह लो उसको, सैडनेस तो नहीं कहेंगे, बट दैट वरी, वरी इन देयर आईज कि यार ये बंदा ना ठीक ठाक कर रहा था वहाँ पे, पता नहीं इसको क्या हुआ, ही स्टार्टेड दिस एंटरप्रेन्योरशिप, बट एट द सेम टाइम दे आर सपोर्टिव कि व्हाट यू आर डूइंग, सो दैट्स अ बिग थिंग। हमें घबराहट नहीं होती, मुझे पर्सनली कोई घबराहट नहीं होती चीज़ों से, लेकिन फैमिली को आपको समझना पड़ता है ना, बिकॉज अब देखो बच्चे हैं, स्कूलिंग भी है, एवरीथिंग, लाइक एवरी कॉमन मैन हम भी तो वैसे ही हैं। बिल्कुल सर, आप भी अपने बच्चों के लिए वरीड होते होंगे, तो आई थिंक आपके फादर हैं, सारे लोग वो भी वरीड तो होते हैं। वो सारी वरी क्या होती है ना, एक एंटरप्रेनर की फैमिली मेंबर्स के ऊपर चढ़ ली जाती है, वो खुद तो परेशान नहीं है, उसको पता है मेरा चल जाएगा यार। ठीक है सर, व्हाट इज हैपनिंग, सो आई थिंक आई एम क्वाइट अ लकी गाय इन दैट सेंस। ओके सर, आपसे पूरा कन्वर्सेशन करने में काफी मजा आया,
आई थिंक हमारी ऑडियंस ने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा आपसे, बहुत सारी चीज़ें आपने डिस्कस करी हैं आपके स्टार्टअप के बारे में, तो थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी।